पेश है न्यूज अपडेट। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का बड़ा हमला, 24 घंटों में कोविड 19 के 1329 नए केस। आगरा, सब्जी बेचने वाला निकला कोरोना वायरस पॉजिटिव, 2000 लोग हुए होम क्वारंटाइन। मुंबई, कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तदफीन में रुकावटें खड़ी करने वाले नेज, तदफीन से इनकार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती हुकूमत ने इस जिम्न में अपना मौकफ पहले से ही वाजे कर दिया है, इसके बावजूद हुकूमत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल ने दारुल हुकूमत में कोविड 19 के बगैर अलामत वाले मरीजों के सामने आने को इंतहाई तश्वीशनाक करार देते हुए इतवार को कहा कि फिलहाल लॉकडाउन में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। अवाम बेजबान जानवरों की मदद करें, शाहरुख। अपने घर के पालतू जानवरों से कहीं कोरोना ना फैल जाए, इस डर से लोग उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ रहे हैं। इराक, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दाइश के 4 दहशतगर्द हलाक। शुमाली सूबा करकुक में वफाकी पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए करकुक के दारुल हुकूमत में एक गांव में दाइश के खुफिया ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान 2 फौजी और 3 शहरी जख्मी हो गए। राजस्थान, सनतों और कारोबारों को शुरू करने के मुतालिक नई हिदायत जारी। इन इलाकों में कायम सनतों, कारोबारों को और उनके मजदूरों को कम से कम जरूरत के मुताबिक फैक्ट्री अहाते में लाने के लिए एक बार में ट्रांसपोर्ट के लिए निशानदेही की गई गाड़ी को पास देने का इंतजाम किया जाएगा। इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से मुतासिर एक पुलिस अफसर देवेंद्र कुमार का इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात देवेंद्र कुमार कोरोना में मुब्तला पाए गए थे और उनका यहां अस्पताल में इलाज चल रहा था। कल नीम शब में उन्होंने आखिरी सांस ली। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत से अपील की है कि वो लॉकडाउन के दौरान दीगर रियासतों में फंसे मजदूरों की घर वापसी का बंदोबस्त करे। रमजानुल मुबारक में इफ्तार और तरावी की नमाज को लेकर महाराष्ट्र हुकूमत ने जारी की ये नई हिदायत। रियासत में कोविड 19 बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन जारी है और इस दौरान तमाम इबादतगाहों में इबादत करने पर पाबंदी आयद है। इलाहाबाद, लॉकडाउन के दौरान मौजिन की हुई मौत, 2 दिनों तक मस्जिद में पड़ी रही लाश। मौजिन जियाउद्दीन फारूकी वक्त पर अजान दिया करते थे। बाज मकामी लोगों के मुताबिक ग्लास वाली मस्जिद से आखिरी बार जुमेरात को अजान की आवाज सुनाई दी थी।